नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक लेटेस्ट न्यूज जो रोजगार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजर्स, हेल्पर्स और आपके जिला परियोजना अधिकारी हैं, मुख्य रूप से 5 तरीके के जो पदों पर है, भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। इससे पहले ये जो भर्ती प्रक्रिया थी वो 2008 और 2009 में जो है संचालित की गई थी। उसके बाद से इस तरीके के पदों पर इक्का दुक्का भर्ती होती रही, लेकिन जो एक प्रारूप है जिस तरीके से भर्तियां होती हैं वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो है बड़ी भर्ती प्रक्रिया जो है लगभग 11 वर्ष के बाद आपकी होगी, और इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से पद हैं, कितनी किस तरीके की वैकेंसीज हैं, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं, तो इस तरीके के पदों में जो होते हैं मुख्य रूप से महिला जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति के पात्र माने जाते हैं। यहाँ पर जो है केवल 1 से 2 पदों के लिए ही पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर पदों के लिए जो है केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया को करने का जो जिम्मेदारी जो विभाग है वो UPICDS है, और इसका मतलब है जो उत्तर प्रदेश का आंगनवाड़ी संचालन केंद्र है, राष्ट्रीय पोषाहार पोषण संस्थान, उसके माध्यम से जो है शासन को आदेश दिया गया है कि आप जो हैं, देखिएगा इसमें कौन कौन से पद हैं। एक है आपका सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर अर्थात जिनको कहा जाता है कि पर्यवेक्षक के लिए जो पद हैं वो आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं, और इसके लिए जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर लगभग रखी जो गई है वो 2700 रखी गई है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 45 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए। ये आपकी एज लिमिट से संबंधित जानकारी थी। ये आपकी जो है केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट या अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ये है केवल सुपरवाइजर पद के लिए। अब मैं दूसरे पद की जो बात कर रहा हूँ वो है आपका, देखिएगा यहाँ पर, तो ये पद है आपका DPO अर्थात जिला कार्यक्रम अधिकारी, जो जिसके संचालन में जो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कार्य करते हैं जिले के अंतर्गत वो होता है जिले कार्यक्रम अधिकारी। तो जिला कार्यक्रम जो अधिकारी है उसके लिए आपकी जो पोस्ट हैं जिसको हम बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में जो है DPO भी बोला जाता है, इसके लिए भी आपकी नियुक्तियाँ रखी गई हैं, और यहाँ पर केवल 17 पोस्ट ही खाली हैं। इसके लिए भी आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और आपके पास जो है यहाँ पर 18 से 35 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। और ये जो आयु मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ये उन पदों के लिए बता रहा हूँ जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं। एक तीसरी वैकेंसी और भी है ऐसी ही, जिसको कहा जाता है जिला परियोजना अधिकारी। तो इसके लिए क्या है कि ये DPO के नीचे काम करते हैं, तो CRDO इसको बोला, CDPO इसको बोला जाता है। तो CDPO के लिए जो आपकी नियुक्तियां हैं उसके लिए खाली पदों की जो संख्या है वो है 445, जो 445 पदों के लिए इसकी भी आपको नियुक्तियां होनी हैं, और इसमें जो है आपके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, 18 से 45 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ये 3 ऐसे पद हैं जिस पर महिला और पुरुष दोनों ही उम्मीदवार जो है योग्य हैं। बाकी जो 2 तरीके की पोस्ट है केवल महिला ही उनमें आवेदन कर सकती हैं, और वो कौन कौन सी पोस्ट हैं उसी में आपकी बम्पर वैकेंसीज हैं। तो वो है आपके लिए, मैं 4थे नंबर पर ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा जो आपकी पोस्ट है वो है कार्यकर्ता।
कार्यकर्ता अर्थात ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो कार्यकर्ताओं के लिए हैं और कार्यकर्ता ही ज़्यादातर कार्य करते हैं, क्योंकि हेल्पर जो होते हैं वो एक आपका जो विभाग होता है जहाँ पर आपका केंद्र होता है आंगनवाड़ी, हर प्रत्येक गांव में बना हुआ है, केवल एक ही हेल्पर काम कर जाता है और यहाँ पर कार्यकर्ता रहते हैं ज़्यादातर, और सुपरवाइज़र जो होता है वो उनके ऊपर होता है, कई कई आंगनवाड़ी केंद्र के ऊपर एक होता है। उसके बाद जो होता है आपका जिला परियोजना अधिकारी जो होता है वो होता है, उसके बाद जो होता है आपका जिला कार्यक्रम अधिकारी होता है। तो इस तरीके से ये एक तरीके की चेन बनती है और उसमें सबसे छोटा जो पद है वो हेल्पर के लिए रखा गया है। यहाँ पर आपके पास जो है आठवीं पास होना चाहिए, 18 से 45 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। कार्यकर्ता के लिए भी आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और 18 से 45 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। आयु सीमा के संबंध में मैं आपके लिए एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आपका जो रिजर्वेशन के अंतर्गत होता है उसमें भी आयु सीमा में छूट दी गई है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आपको जो है 3 वर्ष अधिक दिए जाएंगे। यदि आपकी उम्र जो है 45 और 3 48 वर्ष तक भी है तो ओबीसी कैंडिडेट्स होने के कारण आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ये केवल मैंने जनरल कैटेगरी के लिए है आयु सीमा आपकी बताई हुई है। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हो और आपकी आयु सीमा जो है मैक्सिमम 50 वर्ष तक ली जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष की छूट आप लोगों के लिए दी गई है। उसी तरीके से यदि कोई विकलांग है या कोई अन्य कैटेगरी से संबंध रखता है, एक्सर्विसमैन है, तो उसको भी जो है यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं कि केवल महिलाओं के लिए जो पद हैं वो यही हैं, और जिसमें महिला और पुरुष दोनों तरीके के आवेदन कर सकते हैं वो लगभग ये 3000 के आसपास पद हैं। बाकी जो लगभग 32000 पद हैं उस पर केवल महिला ही कार्य कर सकती हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से महिला के लिए ही वैकेंसीज है। यहाँ पर यदि बात की जाए आपकी कहाँ पर आपकी नियुक्तियाँ होगी और किस तरीके से आपको जो है नियुक्ति मिल सकती है, तो उत्तर प्रदेश के आपके 75 जिलों में प्रत्येक जिले वाइज आपको जो है सूची दी जाएगी कि इस ज़िले में इतनी वैकेंसीज खाली हैं और प्रत्येक ज़िले के लिए आपको जो है अलग से आवेदन करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने संबंधित ज़िले में आवेदन कर सकते हैं, सभी ज़िले में इसकी वैकेंसीज खाली हैं। और ये जो आवेदन की प्रक्रिया है ये आपकी लगभग 1 महीने बाद आपकी सुचारू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही शासन को आदेश दिया गया है तो अब जो है इसकी नियुक्तियों के लिए जो है प्रावधान बनेगी, समिति बनेगी, और वो समिति जो है फॉर्म भरवाएगी और उसके माध्यम से आपकी 2 प्रक्रियाएं होंगी। जैसे भी आप आवेदन भरोगे योग्य उम्मीदवार, उसमें आपकी जो है लिखित परीक्षा होगी। पहले ऐसा हुआ था कि लिखित परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है प्रारूप बदल चुका है, लिखित परीक्षा होगी प्लस आपका जो अंकों का जो वेटेज है वो आपको दिया जाएगा। जैसे आपके 10वीं या आप यदि ग्रेजुएशन से करते हो सुपरवाइज़र या डीपीओ या सीडीपीओ के लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा आपकी जो है 80 अंक की होगी और 20 अंक जो हैं आपके यहाँ से जोड़े जाएंगे जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। यदि आप कार्यकर्ता के लिए आवेदन करते हैं तो आपके 10वीं के अंकों के जो है 20% जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर यदि 10वीं में आपके 70% हैं तो आपको 14 अंक मिलेंगे और आपके 60% है तो आपको 12 अंक मिलेंगे। उसी तरीके से यदि आप जो है हेल्पर के लिए आवेदन करते हैं तो 8वीं के अंकों का जोड़ा जाएगा, और यदि आप सुपरवाइज़र या डीपीओ या सीडीपीओ के लिए आवेदन करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन के अंकों का प्रतिशत जोड़ा जाएगा। इस तरीके से आपको जो है 20 अंक यहाँ से मिलेंगे और 80 अंक आपके लिखित परीक्षा होगी और 100 अंकों से आपकी कट ऑफ बनेगी। लिखित परीक्षा के लिए किस तरीके का आपका सिलेबस है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, somacademy.org पर जाकर गूगल पर जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए सैलरी स्केल के बारे में कि सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी रखी गई है। यदि यहाँ पर सुपरवाइज़र की बात की जाए तो 25,000 से आपको जो है अधिक सैलरी मिलती है सुपरवाइज़र के लिए। यदि यहाँ पर डीपीओ और सीडीपीओ के लिए बात की जाए तो लगभग 40,000 से अधिक आपका जो है वेतन होता है। यदि कार्यकर्ता की बात की जाए तो कार्यकर्ता को लिए 12,000 से और आपकी जो है 18,000 रुपये तक सैलरी होती है। यदि कार्यकर्ता जो 10वीं स्तर पर अपना प्रतिभाग करते हैं और नियुक्त हो जाते हैं तो मिनिमम सैलरी जो है 12,000 है, उसके बाद जो है आपकी लगभग 18,000 रुपये तक मिल जाती है।
हेल्पर की यदि बात की जाए तो हेल्पर की जो सैलरी है वो यहाँ पर देखेगा 9000 रुपये से आपकी जो है 15000 रुपये के बीच है। तो इस तरीके से ये आपको सैलरी मिलती है। जैसे ही आपका अनुभव होगा सरकार के द्वारा इन लोगों को जो है अभी जो है अनुदान के तौर पर रखा गया है और ये जो है अभी स्थायी नियुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है, इन लोगों को जो है सरकारी नौकरी में नहीं रखा गया है, ये केवल संविदा कर्मी हैं और इस तरीके के पदों को जो है सरकारी करने के लिए लगातार जो है प्रोग्राम भी किया जा रहा है। तो भविष्य में इन लोगों के लिए जो है सरकारी नौकरी बन सकती है, सरकार इनको सरकारी बना सकती है। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई है। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।